नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिससे कि आप बच्चों को ओबेसिटी से बचा सकते हैं या अगर वो ओबीज हैं तो उन्हें ओबेसिटी से वापस नॉर्मल लाइफ में ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये बात जानिए कि ओबेसिटी बहुत कॉमन है। लगभग 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ओबेसिटी से सफर करती है। ना ही सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में भी ये लगभग उतनी ही कॉमन है। एस्टिमेट है कि 2030 तक वर्ल्ड की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन ओवरवेट या ओबेसिटी का शिकार हो सकती है। नंबर वन इज अवेयरनेस, क्योंकि देखा गया है कि जो ओबेसिटी को लेकर लोग अवेयर हैं खुद और जिन अपने बच्चों को अवेयर कर रहे हैं उनमें ओबेसिटी देखने को भी कम मिलती है और उसके अगेंस्ट वो फाइट भी बेटर कर पाते हैं। अनलेस आप अवेयर हैं आप इसे नहीं फाइट कर पाएंगे। नंबर टू, ये मत सोचिए कि ओबेसिटी डेवलप्ड कंट्रीज की ही प्रॉब्लम है। रादर देन डेवलप्ड कंट्रीज में ओबेसिटी अब स्टेबल होती जा रही है, उसमें उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कम हो गया है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी ओबेसिटी बढ़ रही है। सो इट इज वेरी मच अ प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल। नंबर थ्री, बच्चों को अवेयर कीजिए कि अगर वो ओवरवेट या ओबीज हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा बुलिंग का शिकार होना पड़ सकता है। उनके पेयर ग्रुप स्कूल में और इवन घर पे उनके साथ जो बच्चे खेलते हैं या इवन एडल्ट्स और टीचर्स भी उन्हें इस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बना सकते हैं और इस डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करने का कोई ठोस तरीका भी नहीं है। ओबेसिटी थर्ड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है आपकी रेस और एज के बाद। नंबर फोर, बच्चों को एजुकेट कीजिए कि अगर एक बार वेट बढ़ गया तो वो और स्पीड से बढ़ता जाता है, तो वेट को आपको कंट्रोल करके रखना है। बढ़े हुए वेट को कम करना भी मुश्किल है और उसे और बढ़ने से रोकना भी बहुत मुश्किल है। वेट अगर एक बार बढ़ता है तो उसके बढ़ने की स्पीड बढ़ते हुए वेट के साथ और ज्यादा तेज होती जाती है। नंबर फाइव, आप भी याद रखिए और बच्चों को भी समझाइए कि ओबेसिटी जो चाइल्डहुड में सेटअप हो जाती है वो बाद में एडल्टहुड में जाकर वो कंट्रोल नहीं होती। ज्यादातर बच्चे जो बचपन में ओबेज हैं वो एडल्ट लाइफ में भी ओबेज ही रहते हैं और क्रॉनिकली उनकी बॉडी का वेट ज्यादा होने की वजह से उन्हें बहुत सारी बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। तो इट इज बेटर कि चाइल्डहुड में ही हम इसे कंट्रोल कर लें, क्योंकि बाद में इसे कंट्रोल करना और ज्यादा मुश्किल ही होता जाएगा। नंबर सिक्स, आप ये भी ध्यान दीजिए कि जो खाने की चॉइसेस हैं उसमें बहुत सारी वेरिएशन है। ज्यादातर वो प्रोडक्ट्स जो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं जैसे कि ब्रेड स्प्रेड्स हैं, दे आर मोस्टली हाई इन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादा मीठे रहते हैं, उसमें फैट कंटेंट ज्यादा रहता है ताकि बच्चे उन्हें लाइक करें। ऑब्वियस ही बात है कि बच्चे इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे, नॉर्मल खाने को कम प्रेफर करेंगे, लेकिन आपको उन्हें एजुकेट करना है उसके ऊपर बने हुए लेबल्स के हिसाब से कि इसमें पर 100 ग्राम जो कैलोरीज हैं वो बहुत ज्यादा है, मेरे शुगर कॉन्टेंट है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल फूड। हर एक पैक्ड फूड के ऊपर ये कॉन्टेंट लिखा रहता है। आप बच्चों को वो दिखाइए और उन्हें समझाइए कि इसे खाने से आपकी सेहत खराब होगी, आप ओबेस होंगे और आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। नंबर सेवन, जो बहुत सारे आजकल हेल्थ ड्रिंक्स प्रमोट किए जाते हैं कि इन ड्रिंक्स को लेकर आपकी बच्चों की हाइट बढ़ेगी, उनका मेंटल लेवल बढ़ेगा, उसके ऊपर भी फोकस मत कीजिए। इनमें ज्यादातर चीजों की नेसेसरी नहीं होती। अगर बच्चे एक हेल्दी नॉर्मल खाना खाते हैं तब उन्हें इन सप्लीमेंट्स की जरूरत ज्यादातर नहीं रहती। इन सप्लीमेंट्स में भी अगेन दे आर हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें जो कैलोरी कंटेंट है वो बहुत ज्यादा रहता है। इन सप्लीमेंट्स को नॉर्मली लेने की जरूरत नहीं रहती अगर बच्चा हेल्दी घर का खाना खाता है और इनसे आपका ग्रोथ का कोई इफेक्ट होना हो, लेकिन बच्चे ओबेस होने लगते हैं। उन्हें अगर दूध सिंपल पीना पसंद नहीं है, उसमें वो एडिटिव डाल रहे हैं, तो उससे शुगर कॉन्टेंट ज्यादा होने की वजह से उनका धीरे धीरे उसमें टेस्ट डेवलप होता है और वो क्रॉनिकली ज्यादा कैलोरीज लेना शुरू कर देते हैं जिससे भी वेट बढ़ सकता है। नंबर एट, जो बच्चे के पहला साल है जब हम उसे ब्रेड्स फीड कर रहे हैं तब भी ध्यान दीजिए कि उसे उतना ही फीड कीजिए जितना उसके रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे पेशेंट्स बच्चों को ज्यादा फीड करने की कोशिश करते हैं और उसका जो वेट है वो बढ़ता जाता है। पहले एक साल में काफी सारी इम्यूनाइजेशन होती है, तो आप रेगुलरली अपने पीडियाट्रिशियन को विजिट करते हैं जहां पर वो उनकी ग्रोथ मॉनिटर करते हैं और अगर उन्हें लग रहा है कि बच्चे का जितना वेट होना चाहिए उससे ज्यादा है तो उसकी डाइट को कंट्रोल कीजिए, उसके वेट को कंट्रोल कीजिए, अदरवाइज उसे बाद में रिड्यूस करना मुश्किल होता जाएगा। नंबर नाइन, ये ध्यान दीजिए कि जो हमारा स्टमक है जहाँ पर खाना स्टोर होता है जो कि एक बैग के शेप में है, जब वो एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि अगर आप क्रॉनिकली ज्यादा फूड इनटेक लेते हैं तो स्टमक का साइज भी बढ़ जाता है और उसे भरना उतना ही मुश्किल होता रहता है और पेशेंट्स को ज्यादा खाना पड़ता है ताकि उनका स्टमक जो है वो प्रॉपरली भर जाए। तो इसे एक बलून के एग्जांपल से समझिए कि अगर हम एक बलून को फुला देते हैं तो उसके बाद उसमें से हवा निकाल देते हैं तो उसकी जो शेप है वो पहले जैसी नहीं रहती, वो पहले से कुछ बढ़ जाती है। इसी तरह स्टमक का अगर एक बार साइज बढ़ गया, आपकी बॉडी में ओबेसिटी आ गई, तो देन उसे लूज करना बड़ा मुश्किल रहता है बिकॉज स्टमक का साइज ही बड़ा है, भूख ज्यादा लगती है और उसे भरने में ज्यादा खाना पड़ता है। ये चीज भी अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए ताकि वो खाने के पोर्शंस को कम रखें और धीरे धीरे
नॉर्मल वेट जो है उसे मेंटेन करें। नंबर 10, बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करना जैसे कि कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वो स्टैटिक स्पेंड करते हैं, यानी कि इसमें मूवमेंट नहीं होती और वो क्रॉनिकली बैठकर ये डिवाइसेस देखते हैं या उसमें गेम्स खेलते हैं, जिससे भी ये वेट रिड्यूस नहीं होता और अननेसेसरी वो वेट पुट ऑन करते रहते हैं। पहले जमाने की तरह उनकी फिजिकल एक्टिविटीज की सोर्सेज कम है और स्पेसेस कम है, फिर भी हम कहीं ना कहीं ऐसी स्पेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर बच्चे खेलें, फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि उनका वेट जो है मेंटेन रहे, मसल का, बॉडी का जो मसल मास है वो भी अच्छा मेंटेन रहे। लास्ट में जो एक स्पेशल पॉइंट है जो पेरेंट्स को हम समझाना चाहेंगे कि बच्चों के ऊपर आजकल बहुत प्रेशर है, आप पर भी प्रेशर है, पीयर प्रेशर है कि हमें स्टडीज में ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना है टाइम और बच्चों को कंपिटिटिव मार्केट में लेके आना है, जिससे भी बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए दिन का कुछ टाइम जहां बच्चे प्रॉपरली अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर पाएं ताकि पढ़ाई के साथ साथ उनका जो बॉडी का बिल्टअप है वो भी अच्छा रहे। याद रखिए कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बच्चों की हेल्थ अगर बिगड़ जाती है, ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं तो लाइफ लॉन्ग इससे स्ट्रगल करते रहते हैं वेट को नॉर्मल करने के लिए। और लास्ट में एक बोनस और प्रोबेबली बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, बाहर का खाना खाना। जैसे कि आप देखते होंगे कि बढ़ते टाइम के साथ जैसे जैसे लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, बहुत सारे आउटलेट्स खुल गए हैं और उनमें कंपटीशन भी बहुत है और इसके चलते ज़्यादातर आउटलेट्स ऐसा खाना बनाने की कोशिश करते हैं जो ज़्यादा स्वादिष्ट है और जो दिखता बेटर है, और इस चीज़ पर फोकस नहीं होता कि उसमें कितनी कैलोरीज है। टेस्ट बनता है स्वीट से और तले हुए खाने से, आप ऑलरेडी जानते हैं, और बार बार बाहर का खाना खाने से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। बच्चे ये सेंस नहीं कर पाते कि कौन सा खाना बेटर है, उन्हें जो ज़्यादा टेस्टी लगता है वो उसी के लिए बार बार जिद करेंगे। तो हम रेकमेंड करते हैं कि बाहर के खाने को कम से कम कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर वो खाना हेल्दी नहीं होता, चाहे वो इंटरनेशनल जॉइंट्स हैं या नॉर्मल रेस्टोरेंट्स हैं। ज़्यादातर केसेस में उन्हें ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए उनमें बहुत सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड की जाती हैं। वी होप कि ये वीडियो देखकर आपको कुछ क्लूज मिले होंगे जिससे आप अपने बच्चों को बेटर एजुकेट कर पाएंगे कि वो अपना वेट कैसे मेंटेन करें। थैंक यू।